हम एक आदमी की आवाज को सुन पाते हैं जो बता रहा था कि मेरा नाम एंटोनियो है। मैं काफी मशहूर क्योंकि लोग मुझे डीमस को कंट्रोल करने वाले, डीमस को भगाने वाले और इस तरह के ही कई सारे नामों से जानते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर से डीमस को भगाया भी है अंदर जादू करके, और ये ताकत की शक्ति मुझे मेरी फैमिली से मिली है। दरअसल एंटोनियो का पूरा ही खानदान नस्ल दर नस्ल पोजेस्ड लोगों, यानी जितने डीमस ने अपने कंट्रोल में किया होता है उनके अंदर से डीमस को निकाल कर उनकी मदद करती थी। देखते हैं एंटोनियो को, जिसके पास कबीले के कुछ लोग एक लड़की को लेकर आते हैं जिसकी हालत खराब थी, वो बेहोश थी क्योंकि उसे डीमस ने पोजेस्ट किया हुआ था। तब एंटोनियो उस लड़की को अपने सामने लिटाकर उस पर जादू करने लगता है, जहाँ तभी वो लड़की एकदम से आंखें खोलती है। दरअसल उसके अंदर का डीमन जाग चुका था जो उठते ही एंटोनियो पर पूरी तरह हमला कर देता है, पर तभी वो लड़की पर और ताकतवर जादू करके आखिरकार उसे अपने कंट्रोल में कर ही लेता है। इसके बाद कहानी काफी ज्यादा आगे जाती है जहाँ एंटोनियो बूढ़ा हो चुका है और इस वक्त वो मेंटल हॉस्पिटल में है। वो वहाँ की एक औरत को अपने गुजरे हुए वक्त की कहानी सुना रहा था, जिस पर हैरत से वो औरत पूछती है कि आप पहले बहुत सारे डीमंस हुआ करती थी जिन्हें तुम भगाने का काम करती थी। तब एंटोनियो कहता है कि वो सब लीजेंस थी, ये भी डीमंस का एक ग्रुप जिसमें बहुत सारे डीमंस थे जो सबकी सब खतरनाक थी। तभी इधर एक डॉक्टर आकर एंटोनियो को अपने साथ ले जाता है। हमें पता चलता है कि वो यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में इसीलिए है क्योंकि गलती से उसके हाथों किसी का खून हो गया था। पुलिस को छानबीन करने पर उसकी घर से ढेर सारा जादू और डीमंस को भगाने का सामान मिला, जिससे पुलिस को लगा कि शायद उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है, इसीलिए उन्होंने एंटोनियो को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया ताकि उसके दिमाग का इलाज हो सके। यहाँ पर वो अपने टाइम गुजारने के लिए बाकी के मरीजों को अपने पास की कहानियां सुनाया करता, साथ ही थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए यहाँ जो ड्रामास हुआ करती थी उनकी कहानियों भी वो लिखता रहता था। और फिर ऐसे एक दिन वो ड्रामा के डायरेक्टर को कहता है कि डीमंस को भगाने वाला इंसान कभी भी डीमंस की आंखों में नहीं देख सकता क्योंकि ऐसे करने से उसकी शक्तियाँ कमजोर होने दिखेंगी और डीमन ताकतवर होता जाएगा। अब उसके दोस्त जो मरीज थी कहती है कि हम बोर हो रही है, चलो आज हमें और कहानियाँ सुनाओ अपनी पास्ट की। तो अब की बार एंटोनियो उस वक्त की कहानी सुनाता है जब उसकी बेटी पैदा हुई थी। 6 नवंबर 1980 की रात थी, आसमान पर अजीब तरह का लाल रंग का चांद निकला था, चांद बिल्कुल पूरा था और इसी वक्त एंटोनियो की बेटी पैदा हुई। पर एक और बुरी चीज हो गई, इसी रात उसकी वाइफ पोजेस्ड होकर बार बार एक ही लफ्ज बोल रही थी, कोरिया डीमन, कोरिया डीमन। जो सुनकर एंटोनियो काफी घबरा गया था क्योंकि उसे समझ लग गई थी कि मेरी वाइफ और बेटी को कोरिया डीमन से खतरा है जो बेहद ही खतरनाक डीमन है। इसीलिए अगली सुबह एंटोनियो अपनी मां और बेटी के साथ दरिया किनारे जाता है और वहाँ एक रिचुअल एक जादू करता है, जबकि उसकी मॉम अपनी शक्तियों से एक नेकलेस बनाकर उसे एंटोनियो की बेटी को पहनाती है जो वरदान के डीमन से उसकी हिफाजत करेगा। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हारी बेटी को ये नेकलेस सारी जिंदगी के लिए पहनना होगा। खाली सबके बाद जब एंटोनियो घर वापस आता है तो ये देखकर काफी दुखी हो गया था कि कोरिया डीमन ने उसकी वाइफ को मार दिया है। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, एंटोनियो को पता चलता है कि उसे मिलने उसका लॉयर वकील आया है। वो जब उससे मिलता है तो लॉयर कहता है कि गुड, बहुत खूब, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही शांत बर्ताव रखो क्योंकि ऐसे करने से तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें जल्दी से इस मेंटल हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन एंटोनियो को टीवी पर चल रही खबर से पता चलता है कि जब उसकी बेटी पैदा हुई थी जब रेड मून निकला था बिल्कुल वैसे ही रेड मून फिर से दिखने वाला। इसके बाद अब एंटोनियो की बेटी को देखती है जो अब काफी बड़ी हो गई थी और एक कंपनी में जॉब करती थी। फिर रात को जब वो सो रही थी तो उसे अपने पास किसी डीमन का एहसास होता है जो धीरे धीरे करके उसके पास आ रहा था, जिस आर से उसकी आँख खुल जाती है और उसे अपने सामने एक डीमन देख भी जाता है। पर हैरत वो बिल्कुल भी नहीं डरती, ऐसे नॉर्मल होती हुई वो डर से जाती है। पर डीमन वहाँ से गायब हो गया था। अभी हाँ, उसकी बेटी ने डीमन को देखकर कोई एक्सप्रेशन यानी तस्वीर इसीलिए नहीं दिए क्योंकि ये डीमन वगैरह उसके लिए नई चीज नहीं थी, मतलब कि बचपन से ही वो सब कुछ देखती आ रही थी। फिर इसके बाद अगले दिन एंटोनियो से मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम क्लियर था। क्लियर के जरिए एंटोनियो को अपनी मॉम का मैसेज मिलता है जिसमें वो कहती है कि इस रेड मून वाली रात को कोरिया डीमन तुम्हारी बेटी को सेक्रीफाइस कुर्बान करेगा यानी उसकी बलि देगा, तो अब उसे रेड मून की रात होने से पहले कोरिया डीमन को कत्ल करना होगा। तो इसलिए अब एंटोनियो इस मेंटल हॉस्पिटल से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन भागते भागते गार्ड से बचने के चक्कर में वो उस औरत के कमरे में चला जाता है जिससे वो कहानियां सुना करता था। वो एंटोनियो को कहती है कि तुमने अपनी बेटी की कहानी अधूरी सुनाई थी, आगे क्या हुआ वो तो बताऊं। तो वो बताने लगता है कि हमारे खानदान के खून में अलग ही तरह की ताकत है जिसमें हमारा यकीन होना और खुशी से रहना बहुत जरूरी है, और अगर हम ऐसा ना करें तो हमारी शक्तियाँ कम होती जाती है। जैसे कि जब मेरी वाइफ की मौत हुई थी तो मैं दुखी रहने लग गया था, तो इसी वजह से मेरी शक्तियाँ कुछ हद तक कम हो गई थी, मैं कमजोर हो गया, जबकि मेरे मुकाबले में हमारा दुश्मन कोरिया डीमन
और ताकतवर हो गया। असल में मेरा यकीन कम हो गया था। और फिर जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी के अंदर भी बिल्कुल मेरे जैसी ही शक्ति है। कि एक रात जब मैं और मेरी बेटी सो रही थी तो कोरे डीमन ने मेरी बेटी पर हमला कर दिया और उसके गले का नेकलेस चुरा लिया जो मेरी मॉम ने उसके लिए बनाया था। अब नेकलेस ना होने की वजह से मेरी बेटी का मेरी और उसकी खुद की जादुई ताकतों से यकीन उठने लगा, जिसकी बात से उसका बर्ताव एकदम से ही बदल गया और उसे यहाँ जंगल में रहने से मसला होने लगा, जहाँ हम शुरू से ही कबीलों की सूरत में रहती आ रही थी। तो इसीलिए मजबूरन मुझे अपनी बेटी को शहर लाना पड़ा, लेकिन यहाँ आकर भी मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। बेडी में उसको भगाने का काम अभी भी करता रहा। तो जाहिर है इस काम के लिए मेरे पास सारा सामान नहीं था, पर ये चीज मेरी बेटी को जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि जब मेरी बेटी के स्कूल में बाकी बच्चों को ये बात पता चलती है कि मैं भूतों डीमंस को भगाने का काम करता हूँ, तो वो उसे चढ़ाती है, उसका मजाक बनाती है। और तो और वो पजस लोगों को अपने इसी घर में रहकर पहले उनका डीमन भगाता था और फिर उनके चोटों की उनके सपनों की मरम पट्टी भी करता था। तो इसलिए दिन रात उसके घर से ड्रावनी ड्रावनी चिल्लाने की आवाजें आया करती थी। फिर जब उसकी बेटी 17 साल की हुई तो इन्हीं सब चीजों को लेकर एंटोनियो की अपनी बेटी के साथ बहस हो गई। उसकी बेटी को इतना गुस्सा आया कि उसने वो दरवाजा खोल दिया जिस कमरे के अंदर पजस आदमी को रखा गया था। वो काफी जालिम खतरनाक लग रहा था। उसने एंटोनियो की को पकड़ लिया और उसे बस मारने ही वाला था कि तभी अपनी बेटी को बचाने के लिए एंटोनियो ने उस पर हमला कर दिया और ये हमला इतना जानलेवा था कि उस आदमी की मौत ही हो गई। और यही वो खून था जिसके इल्जाम में आज वो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। एंटोनियो ने उन सभी को ये पूरी कहानी सुना दी थी और वो हॉस्पिटल से निकलने में कामयाब हो ही जाता है। बाहर गाड़ी में क्लियर उसकी मदद करने उसी दीदी के लिए आई थी जो पहले भी एंटोनियो की मॉम का मैसेज लेकर आई थी। अब क्लियर उसे एक होटल में लेकर जाती है और उसे अपने आगे का सारा प्लान समझाती है कि अगर आप अपनी बेटी के साथ अच्छा ताल्लुक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा डैड बनके उसका भरोसा जीतना होगा। यानी कि तुम्हारी बेटी हमेशा से जैसा नॉर्मल डैड चाहती थी आपको वैसा बनना होगा। और अगर ऐसा करके एक बार तुमने अपनी बेटी का भरोसा जीत लिया तो फिर तुम जादू करके कोरिया डीमन से डरकर उसका खात्मा कर सकते हो और उसे उसके प्लान में नाकाम कर सकते हो। इतना कहकर क्लियर उन्हें एक मोबाइल दे दिए ये कहती हुई कि अगर मुझे बुलाना हो मेरी जरूरत हो तो फिर मुझे कॉल कर देना मैं आ जाऊंगी और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन एंटोनियो उसी मोबाइल के से कॉल देने की कोशिश करता है पर कॉल उसे हो भी नहीं पाती क्योंकि टच मोबाइल उसे इस्तेमाल करने ही नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उसे पासवर्ड तक नहीं खुलता। तो अब इसीलिए अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ऑफिस से चला जाता है पर उसकी बेटी ना तो उससे मिलती है बल्कि मेंटल हॉस्पिटल में कॉल कर देती है कि आकर मेरे डैड को यहाँ से ले जाए। और अब इसी पहले की हॉस्पिटल वाले यहाँ आकर एंटोनियो को अपने साथ ले जाते। वो पहले ही वहाँ से निकल कर वापिस होटल में आ जाता है और अब वो कोरिया डीमन को मारने वाला सारा सामान तैयार करने लगता है। अपनी बेटी से मिलने के लिए एंटोनियो अगले दिन दोबारा से उसकी ऑफिस जाता है जहाँ अब की बार वो बाकी वर्कर्स पर अपना जादू करता है जिसे वो एक साथ उठकर वहाँ से बाहर चली जाती है सिवाय उसकी बेटी की। वो अकेले ही यहाँ बैठी रहती है। वो अब भी अपने डैड से नहीं मिलना चाह रही थी, उनसे दूर भाग रही थी। वो उनसे इतना डरने लगती है कि सब तैयार था कि कहीं मेरे डैड मुझे ही ना मानते। लेकिन यहाँ उसकी डैड धीरे धीरे गलती आगे आती है और उसे कोरिया डीमन के बारे में सब बताने लगती है। उसका इरादा था कि वो शैतान को यानी बुलाई को लोगों की बनी देकर उसे सभी नाय दी जिससे यहाँ हर तरफ उनका ही रंज। पर अभी भी वो इतना डरी हुई थी कि उन्हें चुप रहने का यहाँ से जाने का दे दिए। वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो इसीलिए एंटोनियो दुखी होती हुई वापिस होटल में आ जाता है जहाँ पर क्लियर पहले से उसका इंतजार कर रही थी। एंटोनियो उसको बताता है कि अगर मेरी बेटी खुद को जान जाए यानी उसे खुद ही एहसास हो जाए कि वो क्या है और उसके खून में कितनी शक्ति ताकत है तो कोरिया डीमन की ताकतें अपने आप ही कम हो जाएंगी, वो कमजोर से कमजोर होता चला जाएगा। बस मेरी बेटी को इस सब पर यकीन करने की जरूरत है। अब क्लियर उसे अपनी हिफाजत करने के लिए एक होली वाटर की बोतल देती है जो डीमन से लेने में उसके काम आएगा और इसकी हिफाजत करेगा और खुद यहाँ से चली जाती है। पर इसके बाद एंटोनियो रिचर्ड इन्हें जागरूक करना शुरू करता है कि उसकी बेटी को इस बात का एहसास हो जाए कि वो क्या है, वो खुद को पहचान ले। तो तभी वहाँ डर के रूप में वो डीमन आ जाता है जो पहले उसकी बेटी के कमरे में जाता है और बाद में बाहर आकर एंटोनियो पर हमला कर देता है जिससे वो काफी जख्मी हो गया था। तो अपनी जान बचाने के लिए वो थोड़ा सा होली वाटर उसके ऊपर फेंक देता है जिससे उसका आधा चेहरा छिल जाता है। पर अगली ही पल यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल की लोग आ जाती है जो एंटोनियो को बेहोश करके वापस से मेडिकल हॉस्पिटल में ले आती है। उसका मानना अभी भी यही था कि एंटोनियो पागल होता जा रहा है तो इसलिए अब की बार उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। और अगले दिन वो रात आ ही जाती है जब रेड मून था। आज भी वो लॉयर डीमन के रूप में एंटोनियो की बेटी के पास जाता है क्योंकि वो उसका दोस्त था। वो उस पर हमला करके बेहोश कर देता है और फिर उसे सेक्रीफाइस करने वाला काला जादू करना शुरू करता है। उधर हॉस्पिटल की एक नर्स जब एंटोनियो
को समान चेक करती है तो उनमें से उसे वही फोटो भी मिल जाता है जिसे वो शरबत समझ के पी जाती है। उसकी ऐसा करती वो बदलने लगती है जैसे वो क्रिएटर डीमन बन रही है और उसे भी किसी ने पोसेस्ट कर लिया। वो काफी ड्रॉनिंग लग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पूरे हॉस्पिटल में घूमने लगती है जिसे देखकर हॉस्पिटल के सारे लोग काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है जिससे वहाँ डॉक्टर मर जाती है। वो औरत सीधा जाती है एंटोनियो के कमरे में। वो रस्सी से बंधा हुआ था तो आजाद होने में उसकी मदद करती है। इसी दौरान यहाँ क्लेयर भी आ चुकी थी जो एंटोनियो को अपने साथ लेकर सीधा उसकी बेटी के घर पहुँचती। उधर एंटोनियो की बेटी पर उसका दोस्त यानी लॉयर सैक्रिफाइस वाला जादू कर रहा था जिस बीच उसकी बेटी को होश आ जाती है और वो अपने दोस्त जिसे डीमन ने पोजेस्ट किया हुआ था पेट में चाकू घुसा देती है और वहाँ से भागकर छत पर आकर छुप जाती है जिसकी थोड़ी देर के बाद वहाँ एंटोनियो और क्लेयर भी आ जाती है हथियार अपने साथ लेकर। पर मौका देकर कोरियर डीमन पीछे से आता है और क्लेयर पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है जिसके बाद एंटोनियो के पास कोरियर डीमन उसकी वाइफ के रूप में आता है और उसे जज्बाती बातें करके अपने जान पे बसाने की कोशिश करने लगता है ताकि मौका पाकर वो एंटोनियो को भी मार दे। पर तभी इधर आ जाती है उसकी बेटी जो अपने डैड की जान बचाती है क्योंकि वो खुद को पहचान चुकी थी और सारा सच भी उसे पता चल चुका था। और अब ठीक मौका पाकर एंटोनियो उस कोरियर डीमन के सीने में अपना ही बनाया हुआ जादुई खंजर को साथ देता है जिससे अब कर आखिरकार उस डीमन का खात्मा हो पाता है। फिर एंटोनियो खंजर से उस डीमन का पेट भी काट देता है। उसके पेट में से वो नेकलेस निकाल कर अपनी बेटी को देता है पहनने के लिए। तो अब की बार उसकी बेटी उस नेकलेस को पहन भी लेती है फखर के साथ क्योंकि उसे यकीन हो गया था और उसके डैड ने जो भी कहा था सब सच था। तो वो भी फैसला करती है कि आगे की मिशन में मैं अपने डैड का साथ दूंगी। इसी के साथ ही कहानी इधर ही खत्म हो जाती।